ग्वालियर रियासत के महाराज कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रही हैं। 2019 में जिस तरह बीजेपी ने यादव कार्ड खेलकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा था, ठीक वैसे ही 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस ने भी वही यादव कार्ड खेल दिया है। ऐसे में अब कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें ना बढ़ जाएं, क्योंकि जिस मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया है वह भी यादव समुदाय से हैं और गुना लोकसभा सीट पर यादव वोटों की अच्छी संख्या है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर से तैयारी कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से टिकट देकर बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में शुरुआती दौर में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गुना लोकसभा सीट से उनके सबसे कट्टर विरोधी कांग्रेस के पूर्व सीएम और राजा साहब दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया के सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट देकर 2019 के चुनावी समीकरण को एक बार फिर दोहरा दिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह आखिर कौन है। कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय देशराज सिंह 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। यादवेंद्र सहित उनकी पत्नी, माँ और भाई जिला पंचायत सदस्य हैं। गुना जिले में यादवेंद्र और उनके परिवार का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में दखल है। सबसे खास यादव समाज के वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। गुना लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और इस बार पहले से ज्यादा चुनौतियां केंद्रीय मंत्री सिंधिया को झेलनी पड़ सकती हैं। एक नज़र सिंधिया को मिलने वाली चुनौतियों पर भी डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के अलावा बीजेपी में भी भितरघात है। मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट कटना भी एक बड़ी वजह है। सिंधिया की 2019 की हार के बाद खुद को स्थापित करने की सोच रहे पुराने नेता सिंधिया की वापसी असहज है। बीजेपी में नए सिंधिया को पुराने भाजपाइयों और कार्यकर्ताओं के साथ सटीक तालमेल बैठाना भी बड़ी चुनौती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अब कांग्रेस भी तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिंधिया बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 में जिस जगह सिंधिया जी रहते हुए वे उस विधानसभा को नहीं जीत पाए। ऐसे में जैसे ही सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की तो ग्वालियर महापौर की सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया गुना सीट से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट सिंधिया को मिला तो ऐसे में उनकी नाराजगी का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जो प्रत्याशी कांग्रेस ने सिंधिया के सामने उतारा है वह बड़ा राजनीतिक परिवार है और गुना अशोकनगर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अब बीजेपी के प्रत्याशी बनकर सिंधिया बुरी तरह फंस गए हैं और उनकी हार बिल्कुल निश्चित है। हाँ, सिंधिया जी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ग्वालियर की हम बात करें तो सिंधिया जी ग्वालियर से तैयारी कर रहे थे। विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी 163 सीट पर जीती, लेकिन विधानसभा जिसमें सिंधिया जी रहते हैं बीजेपी उस सीट को हार गई। तो सिंधिया जी अपनी सीट को नहीं जिता पाए तो बीजेपी को लगा कि ये तो ग्वालियर में हार जाएंगे। और दूसरा, 57 साल बाद महापौर सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर से जीती, तो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब आ जाए हम गुना की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो सिंधिया जी को हरा ही रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। वहाँ से नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलना था, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला तो उनके लोग नाराज। सिंधिया जी एक बार नरोत्तम मिश्रा जी, एक बार जयवंत सिंह पवैया जी के विरोध में वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं तो वो नाराजगी। केपी यादव जो जीते हुए सांसद थे भारतीय जनता पार्टी का, उनका टिकट काट दिया, वो नाराजगी। फिर कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं और वो स्वयं जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके परिवार से 2-3 लोग और जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। तो सिंधिया जी गुना शिवपुरी में जाकर पूरी तरह से गिर चुके हैं, उनके सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं और उनकी हार 100% होना तय है। हालांकि भाजपा गुना लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्ट्रांग दावेदार बता रही है और कह रही है कि 2019 और 2024 की परिस्थितियों में काफी अंतर है।
बीजेपी सभी समाज वर्ग के संपर्क में है। गुना में कांग्रेस के द्वारा खेला गया यादव समाज का कार्ड इस बार नहीं चलेगा। सिंधिया करीब 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, 2019 की जो परिस्थिति थी वो अलग है और वर्तमान में जो 2024 की परिस्थिति है वो भिन्न है। उस समय केपी यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा हमारे दल में जो पार्टी में है वो जाति विशेष के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है, क्योंकि श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के गुना से उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार होने के नाते उन्हें सर्व समाज का वहाँ समर्थन प्राप्त है। और राव जो यादव साहब को वहाँ जो टिकट दिया है, चूँकि उनके पिताजी देशराज सिंह यादव जी स्वर्गीय जो आज नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब चूँकि जाति आधार पर जो कांग्रेस ने वहाँ गेम खेला है तो मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सर्व समाज और सभी समाजों से भारतीय जनता पार्टी का एक संपर्क है। और इस आधार पर, और चूंकि कांग्रेस एक जाति विशेष के आधार पर टिकट वितरण कर रही है, आज की डेट में ग्वालियर लोकसभा में उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, मुरैना लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में जाति आधार पर चुनाव जनता ने नकार दिया है। और चूंकि उनका जो कार्ड है गुना का, वो निश्चित रूप से सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा। और श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया, मेरे हिसाब से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताने देना चाहता हूँ कि कम से कम 2 लाख मतों से वो विजयी हासिल होंगे वहाँ से। बहरहाल सियासी गलियारों में तो चर्चा यही है कि गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि 2019 में भाजपा प्रत्याशी केपी यादव से चुनाव हारने के बाद सिंधिया ने गुना लोकसभा से दूरी बना ली थी और ज्यादातर समय ग्वालियर लोकसभा को दे रहे थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें उनकी परंपरागत सीट गुना से वापस टिकट दे दिया। लेकिन मौजूदा सांसद केपी यादव और सिंधिया के बीच अंतर कला से पिछले 5 साल से गुना सीट में पनप रही गुटबाजी कहीं बीजेपी का चुनावी समीकरण न बिगाड़ दे। ऐसे में बीजेपी लगातार यादव वोटर्स पर डोरे डाल रही है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि गुना की जनता सिंधिया का साथ देती है या फिर कांग्रेस के हाथ के साथ जाती है।